हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बने हुए प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा एंड इसका सोर्स कोड भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जो सोर्स कोड का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा ब्लॉग ओपन होगा एंड वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टेप्स को देख सकते हैं कि कैसे इसको रन करना है। ओके, इससे पहले भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी शेयर कर चुका हूँ एंड काफ़ी सारे जो हमारे पेड प्रोजेक्ट हैं उनके उनकी लिस्ट भी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे 13K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जैसे ही यहाँ पे 13K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो पहले हम इसका पूरा डेमो देख लेते हैं। बाकी के जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट में अपलोड कर चुका हूँ वो आपको प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो फ्री सोर्स कोड वाली प्लेलिस्ट में आप देखोगे ये 23 वीडियोस इसके अंदर हैं, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के सोर्स कोड आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। एंड ये भी काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर एक बूटस्ट्रैप का हमने नेविगेशन बार यूज़ कर लिया है एंड कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह लगा दी इमेजेस में एंड यहाँ पे फोंटोसम के आइकॉन्स यूज़ कर लिए लिंक्स में। यहाँ पे एक इमेज हमने दे दी स्टैटिक एंड नीचे एक फुटर हमने बना दिया है। यहाँ पे भी मैंने लिंक्स लगा दिए हैं होम पेज का, एड रिपोर्ट, व्यू स्टेटस। अब पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में क्या है। ऑनलाइन फायर रिपोर्टिंग सिस्टम, ये एक पाइथन जेंगो पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। इसमें हमने पाइथन इंटरप्रेटर का यूज़ किया है, जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ किया है, आईडी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एंड आउटपुट के लिए कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ऑनलाइन फायर रिपोर्टिंग, इसमें हम कोई अगर फायर इंसिडेंट इंसिडेंट कहीं पे होता है तो उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है कि यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं एंड एडमिन के पास वो नोटिफिकेशन जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन जाएगी एंड उसके बाद एडमिन कोई ना कोई टीम अलॉट करेगा कि इस टीम को यहाँ पे भेजना है। तो पूरा इसमें सीक्वेंस हम देखेंगे कैसे एडमिन स्टेटस को चेंज करेगा, पहले टीम असाइन करेगा, फिर बताएगा कि टीम अभी हमारा ऑन दी वे है या हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है उनका। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, जो भी अप्लाई करेगा वो अपना नाम देगा, मोबाइल नंबर देगा, ठीक है, मतलब जो रिपोर्टिंग करेगा तो वो अपना इन्फॉर्मेशन देगा, उसके बाद लोकेशन बताएगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया सी सेक्टर, जो भी आपका मतलब जो भी एड्रेस है जहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ है फायर का, तो वो आप एड्रेस यहाँ पे बताएंगे। एंड मैसेज लिखेंगे, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रिपोर्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड उसके बाद आप अपना स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो लोकेशन डाल के स्टेटस को सर्च कर सकते हैं या मोबाइल नंबर या नाम। तो मैंने जो नाम दिया था उससे मैं सर्च कर लेता हूँ। फुल नेम दें या केवल फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, किसी से भी आप सर्च कर सकते हैं। इवन मोबाइल नंबर से भी हम यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी एडमिन ने यहाँ पे कोई स्टेटस मतलब अपडेट नहीं किया इसको एंड इसका कोई ट्रैकिंग हिस्ट्री भी अब यहाँ पे अभी कोई फाउंड नहीं हुआ है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिसने अप्लाई किया है, ठीक है, जिसने ये रिपोर्ट किया है। एंड उसके बाद हम एडमिन से लॉगिन करते हैं। तो एडमिन का नाम मैंने दे दिया एडमिन और उसके बाद पासवर्ड भी मैंने रख दिया एडमिन। तो ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एडमिन देख सकता है कितनी न्यू रिक्वेस्ट आई है, कितनी टोटल अभी तक रिक्वेस्ट आ चुकी है एंड कितनी रिक्वेस्ट
को हम कंप्लीट कर चुके हैं, कितने में अभी वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, कितने में टीम ऑन दी वे है एंड कितने रिक्वेस्ट को हमने टीम असाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ से हम फायर कंट्रोल टीम को ऐड कर सकते हैं एंड जो हम ऐड कर चुके हैं उसको हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। दो टीम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, टीम का नाम, टीम लीडर का नाम, टीम लीडर का कॉन्टेक्ट नंबर, टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं एंड यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर दिया तो आप देख रहे हैं ये अपडेट हो चुका है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया। मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने, मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो मैंने लिखा फायर कंट्रोल टीम 3, कुछ भी नाम दे सकते हैं जो भी उसका नाम देना हो एंड किसी लीडर का नाम बता दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टीम लीडर का एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, टीम मेंबर्स का नाम दे दिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, कोमा लगा के आपको टीम मेंबर्स का नाम देना है, जितने भी टीम मेंबर्स हो आप दे सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। डिलीट करके भी मैं दिखा देता हूँ एंड अगर मैं अभी अगर इसको डिलीट नहीं करता तो जब मैं यहाँ पे कोई टीम असाइन करूँगा, जैसे जो भी हमारा नया रिक्वेस्ट आया है वो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी हमने रिक्वेस्ट भेजा था तो यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं, अभी इसमें कोई स्टेटस वगैरह असाइन स्टेटस इसका नहीं चेंज किया गया है, कोई ट्रैकिंग हिस्ट्री नहीं है। असाइन टू पे जाते हैं तो यहाँ से हम टीम को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे तीन टीम के नाम आ रहे हैं जो कि हमने तीन ऐड किए हुए हैं एंड उसके बाद ब्रैकेट में टीम लीडर का नाम भी आ रहा है। तो मैंने यहाँ से टीम 3 को सिलेक्ट कर लिया, मैं डिलीट भी कर सकता था वहाँ पे, नया भी मैं आपको ऐड करके डिलीट करके दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे आप देखो, अब जैसे ही हमने असाइन किया तो जिसको असाइन किया जिस टीम को उस टीम का पूरा डिटेल आ गया एंड अभी इसका कोई ट्रैकिंग हिस्ट्री नहीं है, मतलब केवल टीम को असाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रिक्वेस्ट में से यह भर चुका है, अब ये जा चुका है असाइंड वाले सेक्शन में। तो असाइंड वाले सेक्शन में इसका डिटेल आपको मिलेगा एंड अब आप यहाँ पे टेक एक्शन लेंगे कि टीम ऑन दी वे है या वर्क इन प्रोग्रेस है। तो सपोज मैंने लिया टीम ऑन दी वे, मैंने लिखा फायर कंट्रोल टीम ऑन दी वे, सबमिट कर दिया तो ये एक रिमार्क भी हमने दे दिया। हम यहाँ से इसको देख सकते हैं, एक रिमार्क भी इसमें आ चुका है एंड स्टेटस चेंज हो चुका है। एंड यहाँ से भी आप देख सकते हो ये असाइंड वाले में अब नहीं है क्योंकि अब इसको हमने कर दिया है ऑन दी वे, तो ये ऑन दी वे आ गया। आप डायरेक्ट ऑन दी वे से कंप्लीटेड वाला भी कर सकते हैं। सपोज मैंने, मुझे अगर करना, अब ये दो स्टेटस आएंगे यहाँ पे कंडीशंस लगी हुई हैं। अगर हम पहला स्टेटस सेलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे वाले दो आते हैं एंड दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो लास्ट वाला बस आएगा। जैसे मैंने ये वाला ले लिया एंड मैंने लिखा इन प्रोग्रेस, सबमिट कर दिया। तो अब इसके दो स्टेटस हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ट्रैकिंग में यहाँ पे आप देखोगे पहले ऑन दी वे था, इन प्रोग्रेस हुआ एंड अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा कंप्लीटेड का। मैंने लिखा जॉब डन या फिर वर्क कंप्लीटेड। तो आप देखोगे यहाँ पे वर्क कंप्लीटेड वाला स्टेटस भी अब यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से ये ट्रैकिंग हिस्ट्री हमें मिलेगा एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कंप्लीटेड में ये जा चुका है अब। ठीक है, एंड अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स देखना है, चाहे वो कंप्लीटेड हों इनकम्प्लीटेड हों, तो सब आपको देखना है तो ऑल रिक्वेस्ट वाले पेज में आप जाओगे। डिटेल यहाँ भी आप देख सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो रिकॉर्ड को। मैं आपको बता रहा था कि मैं टीम को ऐड करके डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक और टीम ऐड कर ली, फायर कंट्रोल टीम 4, 5 जो भी नाम देना हो। टीम लीडर का मैंने नाम दे दिया मयंक, मोबाइल नंबर दे दिया एंड टीम मेंबर का नाम मैंने दे दिया
सबमिट कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, एंड उसके बाद ऑल रिक्वेस्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट हमें दिखेंगी। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। डेट रिपोर्ट, अगर मुझे बिटवीन डेट रिपोर्ट दिखानी है कि दो डेट के बीच में कितनी रिपोर्ट्स, कितने इंसिडेंट की रिपोर्ट आई है, ठीक है, तो आप देखो इन दोनों डेट्स के बीच में ये चार रिपोर्ट्स आए हैं। एंड सर्च करना है अगर किसी को, तो आप सर्च भी कर सकते हो मोबाइल नंबर से, नाम से, यहाँ से हम सर्चिंग कर सकते हैं। सर्च रिपोर्ट बाय नेम, मोबाइल नंबर एंड लोकेशन, तो ये सर्च हो गया। यहाँ पे आप इसका डिटेल देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा हमने डैशबोर्ड भी बनाया है। यहाँ पे आप कलर वलर भी इसका चेंज कर सकते हो, डार्क मोड में इसको ले जा सकते हो, तो काफ़ी सारी फुल स्क्रीन भी कर सकते हो इसको। लॉग आउट करते हैं। व्यू स्टेटस में अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ पे भी उसका जो वर्क है वो कंप्लीटेड दिखाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हिस्ट्री भी आ गई, पहले हिस्ट्री नहीं आ रहा था क्योंकि पहले कोई ट्रैकिंग हिस्ट्री नहीं था, किसी को असाइन नहीं किया गया था। ओके, अब मैं आपको इसका डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। तो सॉफ्टवेयर्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो है पाइथन का इंटरप्रेटर, जेंगो फ्रेमवर्क एंड पाइचाम की जगह आप चाहें तो वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आउटपुट देखने के लिए। फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग के लिए हमने HTML, CSS, Bootstrap एंड JavaScript का यूज़ किया है। बैक एंड में हमने यूज़ किया है पाइथन, जेंगो एंड एसक्यूलाइट हमारा डेटाबेस है। अब ये जो सोर्स कोड है वो फ्री है, तो यहाँ से मैं परचेस वगैरह का ऑप्शन हटा देता हूँ, ठीक है। सोर्स कोड आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ फ्री सोर्स कोड, ठीक है, फ्री सोर्स कोड। एंड इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको मेरे चैनल, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आफ्टर 13K कम्प्लीशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 13K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। धन्यवाद चैनल को इतना प्यार देने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो और भी सोर्स कोड एंड और भी रिसोर्सेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।